हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए, ये न्यू डिज़ाइन की मैं स्वेटर लेके आई हूँ। ये देखिए, ये यहाँ बॉर्डर से स्टार्ट करी है मैंने और ऊपर को बनती जाती है ये। तो इसको मैंने ये 5 से लेके 8 साल के बच्चे के लिए बनाया है। स्कूल की ड्रेस की है ये। तो इसको मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से। फ्रंट पार्ट पे ही मैंने ये डिज़ाइन डाला है और बैक पार्ट है प्लेन है। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। दोनों साइड भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, और फ्रंट पार्ट पे भी और बैक पे भी। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन डालना बताऊँगी। बैक पार्ट पर मैंने ये 5 फंदे कम डाले हैं और फ्रंट पार्ट पर 5 ज़्यादा है, क्योंकि डिज़ाइन की वजह से थोड़ा खींचता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस गले का डिज़ाइन भी मैंने थोड़ा डिफरेंट दे रखा है इसमें। तो इस तरीके से आप ये बना लीजिए। देखिए, नज़दीक से दिखा रही हूँ मैं आपको, कितना अच्छा ये देखिए, 10 सिलाइयों का ये मैंने डिज़ाइन बनाया है इस पर, एक फंदा उल्टा एक सीधे का। तो सबसे पहले फ्रेंड हम डिज़ाइन डालना इसमें सीखेंगे, ये वाला डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आ देखिए, न्यू डिज़ाइन बनाना बताऊंगी मैं। ये स्कूल के बच्चे की स्वेटर है, ड्रेस की। तो इस पे आगे वाले पल्ले पे मैंने ये डिज़ाइन डाला है और बैक पार्ट पे ये प्लेन ही बनाया है। ये देखिए, ये 5 से 7 साल के बच्चे की स्वेटर है। ये देखिए, यहाँ से इसकी लेंथ मैंने 12 इंच तक मुंडे तक रखी है, और मुंडे से ऊपर 6.5 इंच, ये 6.5 इंच का मुंडा है, और यहाँ से नीचे ये 12 इंच है। तो बैक पार्ट पे मैंने ये 75 फंदे डाले हैं, 70 फंदे डाले और ऊपर 5 फंदे ही बढ़ाए हैं। तो हमारा ये ऐसे बन के आया है, क्योंकि बैक पार्ट हमने प्लेन बनाया है और जो फ्रंट पार्ट है उस पर मैंने डिजाइन डाला है। तो इस पर 81 फंदे डाले हैं, क्योंकि ये डिजाइन वाला है तो थोड़ा सिकुड़ेगा, और ये बैक पार्ट है बिल्कुल प्लेन है। तो अब देखिए, ये डिजाइन जो बनेगा ये 10-10 के मल्टीपल से बनाएंगे हम, और एक फंदा हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 81 फंदे हमारे टोटल हो गए ऐसे, 10-10-10 और फिर एक फंदा। तो जो मैं नीचे से डालना ये बताया है डिज़ाइन, वही मैं ये वाली सिलाई से बताऊंगी। 6 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर बन के आता है। तो ये 5 से 7 साल के बच्चे की स्वेटर है, स्कूल की ड्रेस है ये। तो अगर फ्रेंड हम सर्दियों की बजाय गर्मियों में बनाएंगे, तभी तो हम अपने बच्चों को सर्दियों में फिर कपड़े बना सकते हैं, स्वेटर वगैरह गर्मियों में भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दियों में ही हमने बनाना है, सर्दियों में बनाएंगे तो फिर वो गर्मियों में जाके कंप्लीट होगा, इसलिए हम गर्मियों में बनाएंगे और सर्दियों में अपने बच्चों को बनाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने मेजरमेंट आपको बता दिया, 70 फंदे हमने बॉर्डर में और 5 ऊपर बढ़ाए हैं, और 12 इंच इसकी लेंथ रखी है बैक पार्ट की, और 6.5 इंच के मुंडे रखे हैं। तो मुंडे घटाना मैं आपको बताऊंगी। यहाँ 3-2-1 की घटाई है, बच्चों की स्वेटर में 3-2-1 की घटाई होती है, वो मैं इसमें आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। बैक पार्ट प्लेन है इसलिए मैंने इसको आपको नहीं बताया है। तो चलिए देखिए, इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे हम। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। अब धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। अब जिस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बना, 6 फंदे और 1 2 3 है, और 1 2 3, 3 हम यहाँ पे उल्टे उल्टे बनाएंगे और 3 ही हमारे यहाँ पे उल्टे उल्टे बने। तो 6 फंदे हमने ये बना लिए। अब धागा आगे करके 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। बस यही डिजाइन, 6 फंदे सीधे 4 उल्टे का डिजाइन हम पूरी सिलाई में बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। धागा आगे, 1 2 3 4। ये लास्ट तक मैं बना लेती हूँ, फिर लास्ट में दिखाती हूँ। लास्ट में हमारे ऐसे आएंगे 2 फंदे उल्टे।
अब देखिए ये पूरी सिलाई में यहाँ तक बना लेती हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये लास्ट में बीच में हमने ऐसे बनाना है, छः फंदे सीधे, दो उल्टे, चार उल्टे, छः सीधे, चार उल्टे। तो ये जो मेरी ऊन है ये वर्धमान की नॉर्मल वाली ऊन है, इससे जो मैं बना रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड लास्ट में पहुँच गए, तो फिर से हमने छः फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और लास्ट के फिर से दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे ऐसे। अब उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी, जो दूसरी सिलाई है वो पूरी उल्टी बना देंगे हम सभी फंदों की। फिर अगली तीसरी सिलाई में आपको बनाना बताती हूँ। अब तीसरी सिलाई देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे दो फंदे हैं, पहला फंदा हमने स्लिप करा, ये एज स्टिच है, धागा आगे करा, दो फंदे हमारे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब ये जो छः फंदे हैं, इन छः फंदों में से दो फंदे पहले हम सीधे बना लेंगे, एक, दो, और ये बीच के दो फंदे हैं ये देखिए, इन दोनों पे हमने एक का तीन बनाना है, देखिए एक बनाया, फिर धागा लपेटा और फिर एक और, तो एक के तीन बन गए। अब इस पर भी एक बनाया, धागा लपेटा, ऐसे बना दिए, और ये दो फंदे दोनों साइड सीधे सीधे, ये देखिए एक, दो सीधे, फिर एक फंदे पे तीन फंदे, फिर एक फंदे पे तीन फंदे, फिर दो फंदे। तो इस तरीके से इन छह फंदों को बनाएंगे हम, और ये जो चार फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बनाएंगे, तीन, चार, एक बार फिर देख लीजिए, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे और इन दो फंदों पे हम छह फंदे बनाएंगे। देखिए दूसरा लपेटा और एक बार फिर बना लिया। अब इसको थोड़ा सा हमने लूज रखना है ऐसे, फिर धागा लपेटा और फिर, तो दो फंदे के छः बन गए, फिर दो फंदे सीधे। पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना देंगे, चार फंदे उल्टे, तीन, चार, दो फंदे सीधे, और फिर अगले दो फंदों पे हम छः फंदे बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा हमने लूज करना है इसको ऐसे, फिर धागा लपेटा, फिर एक फंदा बनाया, फिर एक फंदा बनाया, धागा लपेटा, एक फंदा बनाया, दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे। तो पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड चौथी सिलाई हम बनाएंगे तो उल्टी, पर जो बनी हुई है ये जो एक के तीन बनाए हमने इनको हम स्लिप करेंगे। देखिए दो, तीन, चार फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब ये देखिए ये जो तीन फंदे हैं एक का तीन, इनको हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर ये स्लिप करेंगे दोनों, और फिर आठ फंदे हम ऐसे बना लेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और ये आठ, फिर इन फंदों को फिर से स्लिप करेंगे, इनको हम बनाएंगे नहीं। तो पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना लेंगे चौथी। अब फ्रेंड पांचवी सिलाई देखिए, पहला फंदा हमने स्लिप करा, ये दो हम हमेशा उल्टे ही बनाएंगे यहाँ पे। अब देखिए ये जो हमारे छः फंदे हैं इनको देखिए कैसे करेंगे, इन दो को हम पीछे की साइड से ले जाएंगे और ये आगे की साइड से, दो, तीन को ऐसे सिलाई पे ले लिया और इन दो को ऐसे उतार दिया और पीछे से सिलाई पे ऐसे ले लेंगे, और ये जो हमारे तीन फंदे हैं इनको हम इस सिलाई पे ले लेंगे और इस साइड से बनाएंगे ऐसे सीधा, फिर इन दो को बनाएंगे, एक, दो। अब जैसा हमने इस साइड करा वैसा इस साइड, अब पीछे से पहले इन दो फंदों को इस सिलाई पे ले लेंगे और ये जो तीन फंदे हैं इनको ऐसे, ये देखिए एक, दो, अब इनको इस साइड से तीन का एक कर दिया, फिर धागा आगे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार। अब धागा पीछे, इन छह फंदों को फिर से ऐसा करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे सिलाई पे ले लिया और इन दो को सिलाई निकाल के ऐसे पीछे से पकड़ेंगे, ध्यान से करिए, छूट जाते हैं नहीं तो, देखिए अब ये सिलाई पे ले लिए और इस साइड से इनको बना दिया, तो तीन का एक बन गया, दो फंदे सीधे, फिर इस साइड वाले ऐसे लिए, इन तीन को
ऐसे लिया, दो फंदे पहले बनाए। तो देखिए जो दोनों साइड के फंदे हैं, दो इस साइड के, दो इस साइड के, सेंटर में आ गए चार फंदे हमारे, एक दो तीन चार। और ये जो सेंटर में हमने दो फंदे के छह बनाए थे, ये साइड पे आ गए। तो इस तरीके से फिर इसका डिजाइन बनता है। फिर धागा आगे चार फंदे, फिर उल्टे। तो देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है, ये दिख नहीं रहा है अभी, पर बहुत ही सुंदर बन के आता है ये। तो इस तरीके से आप पूरी सिलाई ऐसे ही बना लीजिए, फिर उल्टी सिलाई हम आगे दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, छठी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बन जाएगी। ये देखिए सभी फंदों को हमने उल्टा बना लेना है। जितने भी हमारे पास फंदे हैं 81, इनको हमने उल्टा बना लेना है। इसके बॉर्डर पे भी मैंने फ्रेंड 70 फंदे डाले थे, और फिर हमने 11 फंदे ऊपर बढ़ाए हैं। बॉर्डर 12 सिलाइयों का बनाया है, और फिर 11 फंदे बढ़ा के फिर हमने डिजाइन सेट कराए। तो ये पूरी सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड, इन्हीं 6-6 सिलाइयों का ये डिजाइन है, तो बार बार हमने रिपीट करनी है। फिर से हम पहली सिलाई बनाएंगे, तो धागा आगे करके पहले दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 धागा आगे करा, 4 फंदे फिर उल्टे, 1 2 3 4। इस तरीके से हमें पूरी सिलाई बनाएंगे, 6 सीधे 4 उल्टे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, और सीधी पे फिर से वैसे ही ये 6-6 सिलाइयां हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो बहुत ही सुंदर सा हमारा डिजाइन बनता जाएगा। तो ये ऊपर तक मैं बना लेती हूँ, फिर हमें इसकी मुंडे की कटिंग करना बताती हूँ मैं आपको। तो इसी तरीके से आप ये बना लीजिए, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली। अब हम घटाई करेंगे, 3 3 फिर 2 फिर 2 फिर 1 फिर 1 की। तो ये मैं देखिए कैसे करेंगे हम, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, फिर आप खुद करेंगे। ये देखिए एक फंदा हमने स्लिप करा, एक पीछे से उतार दी, 1 2 3, ये 3 की घटाई होगी। अब अगला डिजाइन हम वैसे ही ये डिजाइन छोड़ के, ये वाला डिजाइन हम नहीं बनाएंगे, इसको हम प्लेन प्लेन ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारी घटाई हो जाएगी, फिर ये डिजाइन हमारा पूरा नहीं बनेगा। तो देखिए ये हमने सीधे सीधे बना लिए। अब धागा आगे करके ये 4 फंदे हम उल्टे, जो हमारा डिजाइन है वही बनाएंगे। अब इस साइड जाके यहाँ पे फिर से 3 फंदे हम बंद कर देंगे, और पूरी सिलाई ऐसे ही बना देंगे, 3 2 1 की घटाई करेंगे हम। तो 3 फिर 2 फिर 1 दिखाती हूँ मैं, अगली बार 2 करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, 3 फंदे हम यहाँ से बंद करेंगे उल्टी सिलाई पे। तो पहला फंदा ऐसे, देखिए 1 2 3, अब पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे। अब देखिए, अब हम 2 फंदे यहाँ पे बंद करेंगे। तो एक बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया, फिर अगला बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया। अब जो हमारा डिजाइन चल रहा है वैसे ही इसको बना देंगे, फिर अगला दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लास्ट बार एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे। अब आगे हम वही डिजाइन बनाते जाएंगे। तो इसके बाद फिर हम ये डिजाइन अपना ऐसे ही ऊपर तक लेके जाएंगे, गोल गला बनाएंगे हम इसका। तो मैं गोल गला आपको बनाना बताऊंगी, उसकी घटाई करना भी बताऊंगी, किस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो इतना सा बना लीजिए इसको, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक बना लिया मैंने। देखिए यहाँ पे हमने मुंडे की कटिंग करी है। तो इसके बाद 1 2 3 डिजाइन बनाए हैं। 3 डिजाइन बनाने के बाद अब हम गोल गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले 18 फंदे हम इस साइड रखेंगे, फिर 18 इस साइड। देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 18। अब 18 हम इस साइड रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 18 इस साइड। अब फिर 3 की कटिंग करेंगे, पहले 3 फिर 3 इस साइड, फिर 2 फिर 2 फिर 2, फिर 1
फिर एक, ये देखिए ये तीन दो एक की कटिंग हो गई हमारी, और सेंटर में हमारे फंदे बचे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस। अब हमारे पास 21 फंदे बच गए। तो अब इन 21 फंदों को हम सबसे पहले बंद करेंगे, ये जो बीच वाले हैं। तो इससे पहले ये देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस। इन 24 फंदों को पहले हम बना लेते हैं, फिर हम 21 फंदे घटाएंगे। तो ये जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है उसको वैसे ही बना देंगे, धागा आगे करके 24 फंदे बनाएंगे। दो तीन चार पाँच छः सात देखिए आठ नौ, जो हमारा डिज़ाइन चल रहा है वैसे दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस और चौबीस। तो 24 फंदे हमने, अगर आपने 18 फंदे रखने हैं मुंडे के लिए तो तब हमने ये 18 तीन दो एक की कटिंग करेंगे, अगर आपने 20 रखने हैं तो ये 24 बनाए तो हम 26 बनाएंगे। तो मैं 20 फंदे रखूँगी मुंडे की कटिंग के लिए, तो मैंने ये 20 फंदे रख लिए और 20 ही हम इस साइड छोड़ेंगे। और बीच के फंदों को देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह दो छब्बीस। अब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, इन 17 फंदों को अब हम बंद कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे बंद, पहला फंदा हमने ऐसे ही उतार दिया, धागा पीछे करेंगे, इसको बना लिया, फिर इसको भी। तो अब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह। 17 फंदे हमारे बंद हो गए। अब आगे का डिज़ाइन हम वैसे ही बना देंगे इन्हीं फंदों के। अब एक साइड हम पहले बनाएंगे और एक साइड हम बाद में बनाएंगे। अब ये जो हमारी साइड है अब इसको ही हम पहले बनाएंगे, तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, फिर इस साइड पे आके फिर हम तीन फंदे की कटिंग करेंगे। अब देखिए फिर से हमने इस साइड आ गए, तो अब फिर से हमने तीन फंदे यहाँ पे कम करने हैं, तीन दो एक की घटाई करनी है, एक दो और तीन। और अगला जैसा हमारा डिज़ाइन चल रहा है उसको हम वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए इन तीन फंदों को हम इस साइड लेके आएंगे और इसको इस साइड, तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। अगली फिर हम दो फंदे कम करेंगे। ये देखिए पहले हमने तीन की कटिंग करी, अब हम दो की करेंगे। अब देखिए एक और दो, फिर अगली बार हमारा एक फंदा बचेगा तो उसको फिर हम अगली बार एक फंदा कम करेंगे, और पूरी सिलाई जो हमारा डिज़ाइन चल रहा है उसको वैसे ही बनाते जाएंगे, सीधी सिलाई पे भी और उल्टी पे भी। फिर अगली बार दिखाती हूँ हमने एक फंदा कम करना है। अब देखिए अब एक लास्ट बार हम एक ही फंदा यहाँ पे
ऐसे कम करेंगे और जो डिजाइन है उसको वैसे ही बना देंगे। अब हमने कोई फंदा नहीं कम करना है, जितना हमारा बैक पार्ट की लेंथ है उतनी हम इसकी बना देंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो हमारे पास फंदे बचे हैं सिर्फ इन्हीं को हमने 20 फंदों को ही हमने बनाते जाना है। तो सेम टू सेम हमने ऐसे ही इसको बनाते जाना है ऊपर तक, और फिर मैं आपको मुंडे जोड़ना भी बताऊंगी कैसे हम मुंडे जोड़ेंगे। तो ये पूरी लेंथ में इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए हमने बैक पार्ट के साथ इसको मिलाना है कि हमारी ये लेंथ कितनी है। ये देखिए यहाँ से 6.5 इंच की लेंथ है। तो ये देखिए अभी हमने इतना बनाया है और अभी इतना और बनेगा ये। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर हम मुंडे जोड़ना सीखेंगे। अब हमने कोई फंदा नहीं कम करना है। देखिए 20 फंदे हमारे, सिर्फ इन्हीं को हमने ऊपर तक बनाते जाना है और इसके बाद फिर हम इस साइड बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन बनाए और इस साइड को धागा लेके आए हम। अब ये जो हमारी उल्टी साइड है, ये बैक पार्ट है, इसको हम ये देखिए उल्टा साइड अपनी साइड और सीधी हम अंदर की साइड, और नीचे वाला सीधा अपने अंदर की साइड और उल्टा बाहर की साइड। तो ऐसे जोड़ेंगे इनको दोनों साइड। देखिए सीधी हमारी अंदर की साइड आ गई और उल्टी उल्टी दोनों साइड बाहर को। अब देखिए, अब दोनों सिलाइयों से हम एक एक फंदा लेंगे ऐसे। देखिए 2 का 1 करा, फिर अगले वाला 2 का 1 करा और पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया। ऐसे ही हम इन 20 फंदों को बंद कर देंगे, बैक पार्ट के भी 20 फंदे और फ्रंट पार्ट के भी 20 फंदे। बस इस तरीके से इसको जोड़ते जाएंगे और लास्ट तक, लास्ट में एक फंदा बचेगा फिर धागा तोड़ के फिर हम उस एक फंदे के अंदर से वो फंदा निकाल देंगे। तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ, पहले फंदे बंद कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, लास्ट में एक फंदा बचा, तो इस फंदे के अंदर से हम ये जो धागा है इसको ऐसे एक और एक बार फिर 2 बार घुमा के ऐसे खींच लेंगे, तो यहाँ पे टाइट से नोट लग जाएगा। ये देखिए ऐसे, और इन धागों को जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम जब फिनिशिंग करेंगे स्वेटर की तो हम काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे मुंडे जुड़ गए। अब फ्रेंड इस साइड देखिए, जैसे हमने 3 2 1 की घटाई ऐसे करी थी वैसे ही हम अब हम यहाँ पे पहले 3 फंदे घटाएंगे, पूरी सिलाई बनाएंगे, फिर सीधी बनाएंगे, फिर 2, फिर ऐसे, फिर 1, फिर पूरे फंदे वैसे ही बनाएंगे। फिर इन 20 फंदों को जैसे हमने ए वाला पार्ट बनाया वैसे ही ए वाला भी बनाते जाएंगे ऊपर तक। तो देखिए ए वाला मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसे बनाएंगे हम। पहला फंदा बनाया ऐसे, अब हम उल्टी साइड से इन फंदों को घटाएंगे, फिर अगला बनाया और ये पीछे वाला इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो 3 फंदे हम ऐसे ही बंद करेंगे, फिर अगला, फिर ये ऊपर से उतार दिया, इसके बाद फिर अगला, फिर उसको फिर इसके ऊपर से उतार दिया। तो 3 फंदे हमारे बंद हो गए और अब पूरी सिलाई हम इसको ऐसे ही उल्टी बना देंगे। जो डिजाइन चल रहा है उसको वैसे ही बना देंगे। 3 फंदे ऐसे स्लिप करें, फिर पूरी के बीच के 8 फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे और अगले फंदे फिर स्लिप करेंगे। तो जो डिजाइन है उसको वैसे ही बना देंगे और फिर मुंडे ऊपर जोड़ देंगे। तो ये पूरा मैं बना लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको बाजू बनाना और गले बनाना बताऊंगी। देखिए पूरी सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए, तो सीधी सिलाई हम पूरी बना देंगे और उल्टी पे फिर यहाँ पे फिर हम 2 फंदे कम करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों मुंडे जोड़ दिए मैंने और गला हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम गला बनाना सीखेंगे, पर पहले हम बाजू बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये इतना मैंने बाजू बना लिया है, इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 ये देखिए 4 यहाँ तक हो गया,
और 3 उंगल, इतना मैंने इसकी लेंथ बनाई है। इसके बाद हम इसकी घटाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बनाना बता देती हूँ कैसे हम बाजू स्टार्टिंग से बनाएंगे। ये देखिए 40 फंदे डाले हैं मैंने फ्रेंड इस पे। 40 फंदे डालने के बाद 12 सिलाइयाँ, एक फंदा सीधा एक उल्टे का बॉर्डर का डिजाइन बनाया है। अब देखिए मैं फंदे बढ़ाना बताती हूँ आपको किस तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे। हर एक छठी सिलाई पे हमने फंदा बढ़ाना है। तो बॉर्डर बना लिया यहाँ तक। अब हमारी बॉर्डर बनाने से बाद पहली सिलाई है, पहला फंदा स्लिप करा। अब इस एक फंदे के हम दो फंदे बना देंगे यहाँ पे। जैसे भी आपको फंदे बढ़ाने आते हैं आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट तक सभी फंदों को अब हम ऐसे सीधा बना लेंगे। अब देखिए लास्ट में पहुंच गए हम। तो इस वाले फंदे पे हम फिर से दो फंदे बनाएंगे ऐसे। तो एक फंदा हमारा इस साइड बढ़ गया और एक इस साइड। अब ऐसे ही हमने हर एक छठी सिलाई पे फंदे बढ़ाने हैं। अब हम प्लेन ही बनाएंगे, बाजू मैंने प्लेन ही बनाई है। तो उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, और उसके बाद फिर हमारी छठी सिलाई आ जाएगी। उस पर फिर हमने एक फंदा जैसे ये बढ़ाया, एक यहाँ, दोनों साइड एक एक फंदा ऐसे ही बढ़ाते हुए जाएंगे। ये सीधा उल्टा ही हम बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब मैं इसमें बताती हूँ अब हमने क्या करना है। अब इसकी लेंथ देखिए कैसे नापेंगे आप। यहाँ तक मैंने इसकी लेंथ कर दी है और ये 72 फंदे हो गए हमारे पास ये टोटल। हर एक छठी सिलाई पे हमने फंदे बढ़ाए हैं जैसे मैंने फंदे बताए हैं आपको। तो अब देखिए इसको कैसे नापेंगे हम। ये देखिए ऐसे रखेंगे और बाजू की लंबाई हम थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। तो देखिए यहाँ बॉर्डर से नापेंगे, देखिए यहाँ से बॉर्डर है और ऐसे, और ये थोड़ा सा देखिए इतना सा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। ये हमारे मुंडे की कटिंग है यहाँ पे, और यहाँ से देखिए 2 उंगल हमने इसको ज़्यादा बनाया है बाजू को। अब इसकी घटाई करेंगे हम। तो 3 फंदे हम इस साइड घटाएंगे, 3 ही हम दूसरी बार साइड। देखिए एक फंदा हमने घटा दिया, 2 और 3, और पूरी सिलाई फिर सीधी बना लेंगे और उस कोने पे भी हम 3 फंदे घटाएंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई पे भी हम 3 फंदे ही बंद करेंगे, 3-3 फंदे ही हम बंद करते जाएंगे। उल्टी सिलाई पे भी आएंगे तो 3 फंदे बंद करेंगे, सीधी पे आएंगे तो सीधी पे भी 3 फंदे बंद करेंगे। इस तरीके से हम फंदे बंद करते जाएंगे, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। अब हमने पूरी सिलाई उल्टी बना लेनी है और सीधी पे फिर हम यहाँ 3 फंदे बंद करेंगे। जब उल्टी पे आएंगे तो 3 यहाँ पे बंद करेंगे। तो इस तरीके से कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड इसका ऐसे आधा कर लीजिए, 2 बार मैंने यहाँ घटा लिए, 2 बार ही इस साइड। तो 30-30 फंदे हमारे बच गए। अब मैं आपको नापना बताती हूँ किस तरीके से हम इसको नापेंगे। तो दोनों साइड के मुंडे आप ऐसे पकड़ लीजिए, ये देखिए। अब इसको हम नापेंगे यहाँ से आधा रख के यहाँ। अभी हम ये देखिए, तो हमारा ये देखिए यहाँ तक। अभी हम 2-2 बार और घटाएंगे, 2-2 बार हमने घटा लिया, 2-2 बार और घटाएंगे। तो 4-4 बार हम ये फंदे घटाएंगे, उसके बाद फिर हमारा ये बराबर आ जाएगा। ऐसे हमने नाप के इसको देख लेना है कि मुंडे की कटाई बराबर हो गई है। तो 2 बार ये घट गए, 2 बार और घटाएंगे, 2 बार इस साइड। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड 4-4 बार मैंने घटा लिए, 1-2-3-4, और 4 बार ही इस साइड से, और 48 फंदे हमारे बच गए। अब देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब सभी फंदों को हमें बंद कर देंगे। तो एक फंदा बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया, अगला बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया। इस तरीके से हमें लास्ट तक अब सभी फंदों को बंद कर देंगे। सीधी साइड से हमें बंद कर रहे हैं, तो ऐसे आप इसको बंद कर सकते हैं सभी फंदों को। तो ये मैं बंद करके फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसे हमारी ये बाजू बन के आई। फ्रेंड देखिए सभी फंदों को मैंने बंद कर लिया। देखिए इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग आएगी, देखिए ऐसे। ये देखिए, और इसकी लेंथ है, देखिए टोटल लेंथ मैं आपको बताती हूँ इसकी। ये होगी 6, 6-12,
14, 15 टोटल 15 इंच लेंथ है इसकी। तो आप ये बना लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको गला बनाना बताऊंगी। फ्रेंड आज देखिए हम गला बनाना सीखेंगे। पहले हम फंदे उठाएंगे, तो ये फंदे हम उल्टी साइड से उठाना स्टार्ट करेंगे इसके। ऐसे आप उल्टा कर लीजिए और अब हम फंदे उठाएंगे। तो यहाँ से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे और पूरी गुलाई में हम फंदे उठाएंगे। तो देखिए ये हमारे बैक पार्ट के हैं, देखिए कितने फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 23 फंदे हैं ये। अब देखिए ये जो एक एक यहाँ पे लूप बन के आई है, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। ये देखिए ऐसे, इस वाले कोने से हम फंदे उठाएंगे। और मैंने ये राउंड वाली नीडल ली है, आपके पास जो चार सिलाइयाँ आती हैं आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे राउंड वाली नीडल भी इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे हर एक लूप में से हमने एक एक फंदा उठाते जाना है। ध्यान से देखिए, ये देखिए ये जो यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा फंदा दिख रहा है, बस इसी में से हमने एक एक फंदा ऐसे उठाते जाना है। एक भी लूप ने हमने छोड़ने हैं, जो छोटी छोटी बन के आई है सब में से हमने एक एक फंदा ऐसे उठाते जाना है, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक। फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको आगे हम किस तरीके से बनाएंगे। बस इसी तरीके से हमने सभी फंदे उठा लेने हैं, दोनों साइड हमारे सेम ही फंदे उठेंगे। बहुत ईजी है फंदे उठाना, ये देखिए बस इस तरीके से आप फंदे उठा लीजिए। तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको मैंने ये कितने फंदे उठाए हैं। अब देखिए फ्रेंड पूरे राउंड में मैंने 62 फंदे उठाए हैं और ए बैक पार्ट के हैं, तो इसको भी हम इसी पे उठा लेते हैं। ऐसे 62 हो गए, 64, 65, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 और यहाँ पे एक ज़्यादा देखिए गैप है, तो एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे। तो 86 फंदे हो गए हमारे टोटल, 86 फंदे हो गए। अब देखिए ए वाली सिलाई तो हम रख देंगे और आगे का हम इसी सिलाई से अब बनाएंगे, क्योंकि वो राउंड वाली है तो इसमें इजी होता है बनाना है। तो हम वही डिज़ाइन बनाएंगे, एक फंदा सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए इस साइड को, तो पहला फंदा हमने सीधा बनाना है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, फिर एक सीधा एक उल्टा। इस तरीके से हमने 20 सिलाइयां बना लेनी है, जो सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड उल्टा बन के आएगा। सीधी साइड पे जो सीधा फंदा होगा उसको हम सीधा बनाएंगे, जो उल्टा होगा उसको उल्टा बनाएंगे। ये देखिए बस इसी तरीके से अब हमने 20 सिलाइयां बना लेनी है, एक फंदा सीधा एक उल्टे का। 20 सिलाइयां हम बनाने के बाद फिर मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि आगे हमने
कैसे फंदे बंद करने हैं और इस गोल वाले गले को कैसे सिलना है। तो ये मैं बना लेती हूँ 20 सिलाइयाँ। अगर आपने उल्टा उल्टा बनाना है इसको तो आप इसको उल्टा उल्टा भी बना सकते हो, जैसे मैं एक फंदा सीधा एक उल्टा बना रही हूँ आप वैसे भी बना सकते हो। तो ये मैं बना के, अब देखिए फ्रेंड 10 सिलाइयाँ बना ली मैंने। अब इन फंदों को हम बंद कर देंगे। तो एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाला इसके ऊपर से उतार देंगे ऐसे। ये देखिए एक फंदा हमने बनाया, फिर अगला बनाया और ये जो पिछले वाला है इसको ऊपर से ऐसे उतारते जाना है। सभी फंदों को हम ऐसे ही बंद कर देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड इतना मैंने बंद कर लिया। अब ऐसे ही हम इसको आगे तक सभी फंदों को बंद कर देंगे। देखिए एक फंदा बनाया और ये पीछे वाला इसके ऊपर से उतारते जाएंगे। लास्ट तक सभी फंदों को बंद कर देंगे तो हमारा गला ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कैसे बन के आएगा ये देखिए।